So this is the shaded region. We are to find its area. So area of shaded region is, any one of you can unmute and tell me the answer. Area of circle minus area of square. Area of circle ke liye what do we need? Radius. Or area of square ke liye? Side. तो रेडियस ऑफ सर्कल तो आ जाएगा हमारे पास जो ये इसके एंड पॉइंट मिल रहे हैं दिस इज रिप्रेजेंटिंग द डायमीटर ऑफ द सर्कल तो रेडियस 8/2 यानी कि 4 सेंटीमीटर आ जाएगा. अब हमें साइड ऑफ द स्क्वायर निकालनी है तो लेट द साइड ऑफ द स्क्वायर बी ए. अब ये एंगल हमें पता है क्योंकि सेमी सर्कल में बन रहा है 90 डिग्री है तो हमने क्या करना है साइड निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम यूज कर दोगे. ये राइट ट्राइंगल आपका बन रहा है ये साइड ए ये साइड ए ये ए. सो ए स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपो स्क्वायर ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 64. तो ए स्क्वायर इज 32. तो ए कितना आ जाएगा आपका 4√2. ठीक है ये आप सीधा ए स्क्वायर भी ले सकते हो साइड का स्क्वायर ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हो. तो जैसे मर्जी कर लेना जैसे आपको कन्वीनियंट लगे. सो साइड ऑफ द स्क्वायर हमारे पास आ गई 4√2 और वी कैन से दैट एरिया ऑफ द स्क्वायर इज 32. अब एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर हमने 32 निकाला है. सो दिस इज 352/7 माइनस 32. अब ये चेक करो इज दिस करेक्ट. So this will be your answer. Next, say find the area of the given flower bed with semicircular ends. अब मुझे फिगर गिवन है जिसके एंड्स सेमी सर्कुलर है और फिगर में ही डायमेंशन गिवन है. आई हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस फ्लावर बेड. दीज आर द सेमी सर्कुलर एंड्स वी आर टू फाइंड इट्स एरिया. तो इसको हम अगर देखें तो वी कैन डिवाइड इट इन थ्री पार्ट्स विद टू सेमी सर्कल्स एंड वन रेक्टेंगल. अब जो डायमेंशन हमें गिवन है दैट इज 38 centimeters. This is this length और इस तरीके से ये मुझे given है 10 centimeters. So area of this flower bed we are to find out. So this is area of rectangular part. प्लस दो सेमी सर्कल्स बन रही हैं तो एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल. हाँ जी आप क्योंकि अब एमसीक्यूज के लिए वर्कआउट कर रहे हो तो सीधा आप ये दो सेमी सर्कल्स को जब ज्वाइन करोगे तो दिस विल फॉर्म अ सर्कल. तो आप सीधा एरिया ऑफ सर्कल भी कर सकते हो. अब रेक्टेंगुलर पार्ट की लेंथ आपको 38 गिवन है ब्रेथ आपको 10 गिवन है प्लस एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल इज 2 × π r² / 2. सो दिस इज 380 प्लस π r² r. अब देखो ये हाइट आपको 10 गिवन है तो r विल बी हाफ ऑफ दिस बिकॉज दिस इज रिप्रेजेंटिंग द डायमीटर. तो रेडियस आपके पास 5 आ जाएगा. पाई की वैल्यू पुट कर दो डिपेंडिंग ऑन कि आपको ऑप्शंस में आंसर पाई में गिवन है या फ्रैक्शंस में या डेसिमल्स में. तो अकॉर्डिंगली यू विल कन्वर्ट योर आंसर. यहाँ पे ऑप्शंस पाई की फॉर्म में गिवन होंगी सो वी आर टेकिंग इट एज 380 प्लस 25 पाई. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड फील्ड एज शोन इन द फिगर.
अब इस तरह के क्वेश्चंस में आपको एरियाज की ऑप्शंस गिवन होंगे डिनोमिनेटर में क्वेश्चन में. अब ये हमें गिवन है 8 by 6 and this is given to be 4 and this is the shaded region. So we are to find the area of the shaded region. Area of shaded region के लिए देखो, ये rectangular part plus semicircle. Rectangular part का ये वाला length मुझे 6 given है, यानी कि ये वाली length, यानी कि इस वाले circle का radius will be 2. ठीक है? तो रेडियस आ गया मेरे पास, ब्रेथ गिवन है, लेंथ गिवन है, तो यू कैन फाइंड आउट सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन. दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल 8 into 4 प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल दैट इज पाई आर स्क्वायर बाय 2. आर आपको गिवन है 2. So this will be your answer. Now the next one, find the again area of the shaded region. Now we are given this figure in a rectangle and we are to find this area. So this area is area of rectangle minus given figure का area will be, अभी हमने इस तरह का question किया है. This is a rectangle with two semicircular ends. So area of bigger rectangle minus area of smaller rectangle minus area of these two semicircles. Then dimensions जो है वो हमें given है. बड़े वाले rectangle की these are given to be 26 and 12. ये 26 है, ये 12 है. ये 4 है एंड दिस इज 5. एक बार चेक करो. ये कितनी है? ये दोनों साइड 4 है और इधर 3 ही होगी क्योंकि 5 सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना. ये आपको 4 गिवन है, इज इट सो? और ये 5 होगा ना, तभी इधर से ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट 5 5 सब्ट्रैक्ट किए, 5 से कर लेते हैं. एंड दिस वन इज 5. सो यू आर टू फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन. ठीक है, इज इट सो? ये पूरी लेंथ हमें फाइंड है. ठीक है कि नहीं? किसके इनर वाले की निकालेंगे ना, इनर वाले रेक्टेंगल. सो इनर वाले रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ जो है वो हम निकालेंगे. इनर वाले रेक्टेंगल देखो, आउटर वाले रेक्टेंगल की लेंथ हमें गिवन है 26. ओ फॉर आउटर लिख दिया यहाँ पे मैंने. ब्रेथ हमें इसकी गिवन है 12. तो इनर वाला रेक्टेंगल जो हमारा आया उसकी लेंथ 26 में से 5 ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, 16 रह जाएगी. और इनर वाली ब्रेथ कितनी हो जाएगी? 4 गिवन है, ये हमें 4 गिवन है.
फोर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वही फोर ही होगी। दिस वन इज गिवन टू बी फोर। एक्चुअल में ये डिस्टेंस हमें यहाँ पे फोर गिवन है, ये भी फोर गिवन है, तो टोटल आपकी ट्वेल्व थी, ट्वेल्व में से फोर ये माइनस करोगे तो यू विल बी हैविंग दिस एज फोर। यूनिट जो भी है दैट वी विल टेक एज, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लगा दोगे सबके आगे, मीटर है तो मीटर लगाओगे। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। शेडेड रीजन, अब देखो शेडेड रीजन के लिए एरिया ऑफ बिगर रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ दिस शेप, एंड दिस शेप इज कंटेनिंग टू सेमी सर्कल्स एंड वन रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की लेंथ ब्रेथ आ गई। अब सेमी सर्कल का डायमीटर दिस विल बी फोर, क्योंकि ये फोर था, ट्वेल्व में से माइनस करके डिस्टेंस इज फोर, तो इसका रेडियस कितना आ जाएगा आपके पास, दैट विल बी फोर बाय टू, दैट इज टू। अब हमारे पास सभी डायमेंशन आ गई हैं, नाउ वी आर टू सिंप्लीफाई। सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन ये आपका यहाँ पे थ्री भी गिवन हो सकता है, तो ये डिस्टेंस आपका टू है तो थ्री प्लस टू फाइव होता है, ठीक है। अब शेडेड रीजन इज एरिया ऑफ बिगर रेक्टेंगल, यानी कि 26 इंटू 12 माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर रेक्टेंगल, तो दैट इज 4 इंटू 16 माइनस ट्वाइस, क्योंकि दो सेमी सर्कल्स हैं, ट्वाइस ऑफ टू सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का रेडियस हमें टू गिवन है, तो ये एक टू इससे कैंसिल आउट हो गया, कितना आएगा ये, तो दिस विल बी योर आंसर माइनस, यहाँ पे प्लस है, यहाँ प्लस आएगा ना, यहाँ माइनस आएगा, क्योंकि ये टोटल एरिया हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल्स। ये सारे बुक वाले हैं, तो दीज यू कैन डू। ओके, अब ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखना। इन द फिगर आर्क्स हैव बीन ड्रॉन ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर ईच विद वर्टिसेस ए बी सी एंड डी ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी एज सेंटर्स, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। एरिया ऑफ शेडेड रीजन हमें निकालना है, और जो आर्क्स हैं वो रेडियस 21 सेंटीमीटर की हमें गिवन है। तो ये इस तरह का क्वेश्चन आपने किया नहीं हुआ, बट अगेन ये इम्पॉर्टेंट है, तो थोड़ा ध्यान से करना। हमें क्वाड्रिलेटरल गिवन है, लेट अस सपोज कि मैंने ये फिगर बना ली। अब इसमें जो ये आर्क्स लगाई हैं, ये आर्क्स लगी विद रेडियस 21 सेंटीमीटर, यानी कि एंड वी आर टू फाइंड दिस एरिया। ये चारों आपके जो सेक्टर्स हैं ये शेडेड हैं, we are to find this area. अब देखो area of shaded region जो है that will be equal to, अब ये मुझे quadrilateral given है, मुझे नहीं पता कि इसके corners पे कौन सा angle बन रहा है, तो angles हम assume कर लेते हैं। मैंने मान लिया यहाँ पे angle theta 1 बन रहा है, यहाँ पे angle theta 2 है, यहाँ पे theta 3, एंड हेयर इट इज थीटा 4। रेडियस हर एक का सेम है, आर्क क्योंकि 21 सेंटीमीटर की लगी है, तो हर सेक्टर के लिए दिस विल बी सेम। सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या आ जाएगा हमारा, एरिया ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट फर्स्ट सेक्टर, थीटा 1 वाला फर्स्ट सेक्टर है, थीटा 2 वाला सेकेंड, दिस इज द थर्ड सेक्टर एंड दिस इज द फोर्थ सेक्टर। तो एरिया ऑफ फर्स्ट सेक्टर प्लस एरिया ऑफ सेकेंड सेक्टर, एरिया ऑफ थर्ड सेक्टर, एरिया ऑफ फोर्थ सेक्टर। अब एरिया ऑफ फर्स्ट सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर लग जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, सो दैट विल बी पाई आर, कितना है 21 स्क्वायर थीटा 1। एरिया ऑफ सेक्टर 2 हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर थीटा 2।
थर्ड सेक्टर एंड देन फोर्थ सेक्टर. अब अगर आप इसको ध्यान से देखो तो पाई आर स्क्वायर यानी कि पाई इंटू 21 स्क्वायर हर एक में से कॉमन आ रहा है. तो 21 स्क्वायर को मैंने 441 पाई ले लिया. अब आगे क्या रह गया, अच्छा इसमें अपॉन 360 भी है. हाँ जी, तो मैंने पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 कॉमन ले लिया. यहाँ क्या रह गया, थीटा वन, थीटा टू, थीटा थ्री एंड थीटा फोर. अब व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल 360. अब ये वैल्यू रिप्लेस कर दो, तो दिस इज 441 पाई अपॉन 360 इनटू 360, ये कैंसिल आउट हो गया. सो दिस इज 441 पाई. सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ गया हमारे पास 441 पाई. तो ये आपने फर्स्ट टाइम इस तरह का क्वेश्चन किया है जब हमें ये एंगल्स नहीं गिवन है. तो एंगल्स नहीं गिवन तो हमने इनको एज्यूम कर लिया, थीटा वन, थीटा टू, थीटा थ्री, थीटा फोर, देन पाई आर स्क्वायर अपॉन थीटा, अब पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 फॉर्मूला लगाया सेक्टर का, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 कॉमन, एंगल्स सारे ऐड हो गए और एंगल सम प्रॉपर्टी क्वाड्रिलेटरल की लग गई कि दिस एंगल सम इज इक्वल टू 360 डिग्री. अब नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है हमें, अ पीस ऑफ वायर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग इज बेंट इनटू द फॉर्म ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट इट्स सेंटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल. एक 20 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर ली गई, उसको बेंड किया गया इन द फॉर्म ऑफ अ सेक्टर. It is bent into the form of an arc of a circle, subtending an angle of 360 degree at the center. So, ये 360 degree का angle बन रहा है, 60 degree का angle बन रहा है at the center, and this is the length of the arc, which is given to us as 20 centimeter. I have to find out the radius of the circle. क्या करेंगे? किस क्या फॉर्मूला होता है? पाई आर स्क्वायर तो एरिया हो गया 2 पाई आर. सो दिस इज 2 पाई आर थीटा अपॉन 360, या यू कैन से पाई आर थीटा अपॉन 180. अब आर हमने कैलकुलेट करना है. Put the values and get your answer. So you simplify karke, you will get the value of R. So 210. Pi ki value agar nahi put karoge, to your answer will be 60 upon pi. चलिए नेक्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो टेंजेंट्स पे बेस्ड है, तो दैट चैप्टर वी हैवन डन, तो उस पे बेस्ड आपका क्वेश्चन भी नहीं आएगा, सो यू नीड नॉट डू. अब उससे अगला क्वेश्चन हम कर रहे हैं. वी आर गिवन इन द फिगर एज शोन टू आर्क्स पी ए क्यू एंड पी बी क्यू आर गिवन टू अस. Arc PAQ is a part of a circle with center O and radius OP, while arc PBQ is a semicircle drawn on PQ as diameter with center M. So figure dekho aapko pehle sabse kya given hai.
एंड दिस वन इज द शेडेड पार्ट, ये गिवन है ओ, दिस इज पी, दिस इज क्यू, दिस इज योर पॉइंट ए एंड दिस इज योर पॉइंट बी. क्वेश्चन दोबारा सुनो. इन द गिवन फिगर आर्क आर शोन टू आर्क्स पी ए क्यू एंड पी बी क्यू. एक आर्क है हमारी ये पी ए क्यू और दूसरी आर्क है ये पी बी क्यू. अब इसमें वो क्या कह रहे हैं कि आर्क पी ए क्यू जो है दैट इज अ पार्ट ऑफ द सर्कल विद सेंटर ओ. सेंटर ओ के साथ अगर हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं तो ये जो आर्क है हमारी पी ए क्यू ये इस सर्कल का एक पार्ट है एंड पी बी क्यू इज अ सेमी सर्कल ड्रॉन ऑन पी क्यू एज डायमीटर. पी क्यू को डायमीटर लेके ये पी बी क्यू आर्क जो बनाई गई है ये इसका सेमी सर्कल बन रही है विद सेंटर एम. ये पॉइंट हमें एम गिवन है. इफ ओ पी इज इक्वल टू पी क्यू इज 10 सेंटीमीटर, ये हमें 10 सेंटीमीटर गिवन है. सो शो दैट द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इज 25√3 - π/6. 25 times √3 - π/6. हाँ जी क्या करें. एरिया ऑफ शेडेड रीजन हमें कैलकुलेट करना है. हाँ जी हाँ बन गई इक्विलेटरल क्योंकि ये 10 गिवन है, ये 10 गिवन है तो ये भी 10 हो गया, ये दोनों रेडियस हैं. सो दिस इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल. हमें OP is equal to PQ 10 given था, PQ chord है, OP radius है, तो definitely OQ is also radius. तो ये आपका equilateral triangle बन गया, यानी कि ये angle आ गया हमारे पास 60 degree. अब देखो मुझे जो shaded region निकालना है वो कैसे है. ये semi circle है और ये जो है दूसरे circle का एक part है. Segment बन गया ये, यानी कि area of semi circle minus area of this segment. So I will get the area of the shaded region. ठीक है क्या आएगा. इस वाले सर्कल का पहले ये सेगमेंट निकालोगे, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या आएगा. एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल. सेक्टर का एरिया पाई आर स्क्वायर, आर कितना है 10, 60/360 माइनस हाफ आर इज 10 sin 60, हाफ आर स्क्वायर थीटा. फॉर्मूला लगाया हमने पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, दैट इज द एरिया ऑफ द सेगमेंट. सो दिस इज 50/3π माइनस 50√3/225√3. कैलकुलेशंस एक बार चेक कर लेना. सो दिस इज द एरिया ऑफ द सेगमेंट. अब एरिया ऑफ सेमी सर्कल हमने लेना है तो दैट इज गिवन बाय पाई आर स्क्वायर बाय 2. इसका ये डायमीटर था, डायमीटर 10 है तो रेडियस विल बी 5. तो एरिया ऑफ द सेमी सर्कल इज पाई इंटू 5² / 2. सो दिस इज 25/2π. अब 25/2π और 50/3π माइनस 25√3. इनको क्या करोगे, एरिया ऑफ सेमी सर्कल में से एरिया ऑफ सेक्टर आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो यू विल गेट योर आंसर. क्विकली सॉल्व इट आउट. एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट विल गिव यू द आंसर. ये आंसर आपने प्रूव करना है. एरिया ऑफ सेमी सर्कल 25/2π माइनस हो जाएगा ये 50/3π
और ये प्लस हो जाएगा, तो इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लो, क्या आएगा ये 25 5/6 हो जाएगा, 25 3s are और 52s are माइनस 25 5/6 प्लस 25√3। 25 दोनों में से कॉमन ले लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 25√3 माइनस 5/6। सो दिस विल बी योर आंसर, यही आपको शो करना था। बाकी आपको एमसीक्यूज गिवन होंगे, कुछ भी आ सकते हैं। नेक्स्ट गिवन है हमें, ऐसा बुक में है ना आपका, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है, इन द गिवन फिगर अ सेक्टर ओ ए पी इज शोन ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ कंटेनिंग एंगल थीटा, ए बी इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ओ ए एंड मीट्स ओ पी प्रोड्यूस्ड एट बी। प्रूफ करना है हमें कि पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन जो है दैट इज आर टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा प्लस पाई थीटा प्लस 180। हमें ये सर्कल गिवन है विद सेंटर ओ, ए पे 90° का एंगल है एंड दिस वन इज द शेडेड रीजन एंड वी आर टू फाइंड इट्स पेरीमीटर। इसका पेरीमीटर मींस दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ, सो दिस वी आर टू फाइंड आउट। हमें गिवन है दिस एंगल इज थीटा, पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन वी आर टू फाइंड आउट, रेडियस आर मान लेंगे, ये भी आर हो गया इतना पोर्शन। अब क्या करेंगे, हाँ एरिया ऑफ सेक्टर आ जाएगा। ओके क्या होगा उससे, हमें क्या क्या चाहिए, हाँ लेंथ ऑफ आर्क क्या आएगी, पाई आर थीटा अपॉन, हाँ 2πr θ/360 या पाई आर थीटा अपॉन 180, लेंथ ऑफ आर्क आ गई हमारे पास। अब एरिया क्यों, पेरीमीटर निकालना है हमें, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल के लिए अब मुझे ये चाहिए और ये चाहिए। थीटा के अपोजिट परपेंडिकुलर है, 90 के अपोजिट वो हाइपो है, जो भी हाइपो की लेंथ है उसमें से ये रेडियस माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा। अब बताओ क्या करेंगे, ये लेंथ क्या आएगी, ये आर है ये थीटा है तो ये लेंथ क्या आएगी, परपेंडिकुलर कैसे निकालते, थीटा के एडजेसेंट साइड दिस इज बेस दिस इज परपेंडिकुलर तो टैन थीटा क्या आ गया, हाँ ए बी अपॉन आर, यानी कि ए बी आ गया मेरे पास आर टैन थीटा। सेम वे में ओ बी क्या आएगा, बेस गिवन है हाइपो गिवन है, कॉस थीटा आ गया, कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपो, तो यहां से ओ बी आ गया मेरे पास आर सीकेंट थीटा, लिख सकती हूँ इसको आर बाई कॉस थीटा को। अब ओ बी में से अगर मैं आर माइनस कर दू, लेट अस सपोज कि मेरे पास ये पॉइंट एम है तो एम बी आ जाएगा, एम बी इज आर सीकेंट थीटा माइनस रेडियस आर, तो दिस इज आर इंटू सीकेंट थीटा माइनस वन, लेंथ ऑफ आर्क आ गई, ये आ गई, ये निकाल ली, तीनों को प्लस कर दो, यू विल गेट योर आंसर। सो दिस वॉज योर क्वेश्चन, इफ एनी डाउट इज देयर इन दिस सॉल्यूशन देन यू कैन आस्क, अदरवाइज टाइम इज ओवर।